मैं हूं आशिकीन कुरैशी, आप देख रहे हैं जेपीएन 7 न्यूज। बात अब नौगांव विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय किसान मजदूर पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर सोरन सिंह की। डॉक्टर सोरन सिंह ने कहा कि नौगांव सदा क्षेत्रीय जनता ने उन्हें चुना और खिदमत करने का मौका दिया, तो वह क्षेत्र के लोगों का खादिम बनकर उनकी खिदमत करेंगे। गजरोला में पत्रकारों से रूबरू हुए डॉक्टर सोरन सिंह ने बताया कि उनकी पार्टी को ट्रैक्टर चलाता किसान चुनाव चिन्ह मिला है। वह इसी चुनाव चिन्ह पर नौगांव विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। इस मौके पर उनके समर्थक व पार्टी के पदाधिकारीगण मौजूद थे। वीडियो जर्नलिस्ट मशकूर के साथ आशिकीन कवरेज की रिपोर्ट। तो उसका ब्याज मिलना चाहिए, हाई कोर्ट से वो केस जीत गए, लेकिन केस जीतने के बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून में बदलाव करके उस आदेश को निरस्त कर दिया और ये कह दिया कि मिल मालिकों की माली हालत खराब है, इसलिए गन्ना किसानों को ब्याज जो देना था मिल मालिकों के द्वारा दिया जाना था उसको माफ किया जाता। आप लोगों ने छापा, जब हाई कोर्ट के ऑर्डर को परिवर्तित करने की मंशा सरकार की है, इसका मतलब सरकार किसानों के हित की नहीं सोच रही। सरकार की नजर में तो किसान का बच्चा हेलीकॉप्टर में घूम रहा, वो विदेशों में पढ़ रहा, वो मनाली में सैर कर रहा, और मिल मालिकों के बच्चों को रोटी कपड़े की दिक्कत आ रही है। सरकार का जब ये नजरिया हो तो वहां बीएम सिंह के अनुयायियों का पहुंचना जरूरी होता, इसलिए पार्टी का गठन हमने, इसलिए बीएम सिंह जी के ने पार्टी का गठन करा और अब पार्टी मैदान में है। और ईमानदारी की बात तो है कि कोई सा भी समाज हो, जो गांव में बस रहा, चाहे चौहान समाज हो, जाट समाज हो, यादव समाज हो, उन लोगों का इतना प्यार मुझे मिल रहा है। बीएम सिंह का नाम और फोटो देखते ही वो कहते हैं कि आज इस उत्तर प्रदेश में अगर कोई किसानों की बात करता है तो बीएम सिंह करता है और कोई नहीं करता। बाकी कहते हैं मुझे एमएलए बना दो, हमारी सरकार बना दो, और उस आदमी ने, वो आदमी कहता, आधी जनता को पता भी नहीं होता, आधे बड़े बड़े समझदार लोगों को पता नहीं होता कि ये रिट किसने डाली थी। अभी गेहूं की रेट डाली हुई है, अभी जो 2014 में ओलावृष्टि हुई थी, परसों सिंह साहब वही थे हाई कोर्ट में, आपने बात की, परसों से एक दिन पहले भी वही थे, 20 तारीख उसमें लगी है। उनका ये कहना कि जब हमारा लेखपाल ये संस्तुति करके भेज रहा कि 30% ओलावृष्टि से हमारे 33% फसल नष्ट होगी जनपद अमरोहा की, फसल किससे बन रही है, राज्य सरकार ने क्रेडिट क्रेडिट कार्ड, 1,61,00,000 किसानों ने केसीसी पे पैसा लिया था। क्रेडिट कार्ड फसली ऋण ही तो है। 1,61,00,000 किसानों ने इस देश में क्रेडिट कार्ड से पैसा उठा के अपनी फसल बोई थी और वो फसल बर्बाद हो गई। 33% का आंकड़ा तो खुद ये वेरीफाई करते हैं, खुद कहते हैं, खुद संस्तुति करती है स्टेट गवर्नमेंट, हाँ इतना बर्बाद हुआ। तो बीएम सिंह जी कह रहे हैं, इसको लेकर कोर्ट में चले गए कि साहब जब 33% बर्बाद हो गया तो 33% जो कर्जा था केसीसी से उसको कम कर दो, खत्म कर दो उसको बराबर। जब आप खुद मान रहे हो कि खत्म हो गया तो उसको उसका हक बनता, उसको खत्म कर दो। इसके लिए इसको लेकर हाई कोर्ट में परसों सुनवाई थी, उससे एक दिन पहले भी सुनवाई थी, 20 तारीख अभी लगी हुई है। ऊपर वाला ने चाहा तो अगर ये डिसीजन भी हो गया तो बहुत बेनिफिट होगा इससे। भाई सरदार बीएम सिंह जी की पहचान ये तो है नहीं कि अमिताभ बच्चन की तरह बड़े नायक हैं, सरदार बीएम सिंह जी की पहचान यही तो है कि किसानों की लड़ाई कोर्ट के माध्यम से, कानून के माध्यम से उनका हक दिलाने का प्रयास करते रहते हैं जी। और जब दुनिया में अलग और समाज के लिए बहुत उच्च स्तर पर काम करने वाले लोगों की खोज उन्होंने करी होगी, अभी उनको इनविटेशन भेजा और वो है क्या, किसानों के हित की लड़ाई लड़ने के अलावा उनकी कोई पहचान नहीं है जी। कोई दूसरी इस पहचान को रिकॉग्निशन दे के अगर अमेरिका का राष्ट्रपति उन्हें बुलाता तो अमरोहा के किसान के लिए तो बहुत बड़ी बात है, बल्कि किसान बिरादरी के लिए बहुत बड़ी बात है, किसान बिरादरी के लिए बहुत बड़ी बात है। और अब शुरुआत ये भी हो गई, हम तो जहाँ भी जा रहे हैं इतना स्नेह मिल रहा किसान मजदूर पार्टी के नाम पर कि मुझे तो ऐसा लगता है, अब इनफॉर्मल बात है बिल्कुल ये, कि ये सीट तो सरदार बीएम सिंह की होगी।